ये भाई कर्नाटक से है और आप? यूपी भाई, यूपी से। यूपी से और मैं बिहार से। कितने बजे उठते मदरसे के लिए? मेरा तो मदरसा नहीं है, मैं 10:30 बजे उठता हूँ। अच्छा, तो अच्छा ड्यूटी है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं अभी आया हूँ रियाद में। जो जगह है ये ईस्टर्न रिंग रोड पे, और ये ईस्टर्न रिंग रोड पे है और मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन बहुत ही पुराना मार्केट है ये, और देख सकते हैं अब ये ईस्टर्न रिंग रोड है रियाद का, जो रियाद के बिल्कुल बीच से गुजरता है। और ये है वो मॉल, जो मॉल मैं आपको बता रहा था, ये बहुत ही पुराना मॉल, पुराना मार्केट लगता है मुझे। और यहाँ पे बहुत ही सारा सामान, सस्ता सामान मिलता है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रियाद का मेट्रो का ब्रिज बना हुआ है, इसी मेट्रो ब्रिज पे रियाद का मेट्रो चलेगा। अभी रियाद मेट्रो स्टार्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन इसका पूरा काम लगभग, वो देखिए लोग काम कर रहे हैं रियाद मेट्रो पर। और ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है बिस्किट कलर का, ये अल रजी मस्जिद, जो रियाद की सबसे बड़ी मस्जिद है अल रजी मस्जिद। और यहाँ बताया जाता है कि अगर जिसको मौत की सज़ा मिलती है तो यहाँ पे रजी मस्जिद में उसको लाया जाता है, और अल रजी मस्जिद में उसको मौत की सज़ा दी जाती है। तो ये रियाद की सबसे बड़ी मस्जिद है अल रजी मस्जिद। और इसके सामने देख सकते हैं आप, ये है मेट्रो स्टेशन, जो रियाद मेट्रो बन रहा है। अभी तो काम इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये जो रास्ता है, ये ईस्टर्न रिंग रोड नाम है इसका, और इसका स्पीड है 120 किलोमीटर पर घंटा। जैसे मार्केट होता है, लोग फुटपाथ पे भी दुकान लगा के रखते हैं मार्केट के अंदर में, सेम सिस्टम यहाँ पे भी है। देख सकते हैं आप कि लोग फुटपाथ पे भी दुकान लगा के रखे हैं, बहुत सारी देखिए लेडीज़ खड़ी है, कुछ सामानें खरीद रही है जो फुटपाथ पे दुकान लगा हुआ है। और ये हम जहाँ पे खड़े हैं, ये पूरा पार्किंग एरिया है, यहाँ पे लोग आते हैं, गाड़ी अपना पार्किंग करते हैं और जाते हैं मार्केट के अंदर सामान खरीदने के लिए। तो चलिए मैं अभी जाता हूँ, देखता हूँ कोई इंडियन पाकिस्तानी भाई होगा तो उससे हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं कोई है यहाँ पे तो उससे बात करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, मुझे लग रहा है कि ये लोग हिंदी हैं, इंडियन या पाकिस्तानी होंगे। चलिए बात करते हैं। देखिए भाई लोग हैं यहाँ पे ड्राइवर, ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं भाई लोग से। यहाँ पे बहुत सारे भाई मौजूद हैं हमारे। तो आप लोग कहाँ से? इंडिया से? इंडिया से। तो ये हमारे भाई लोग इंडिया से हैं सारे, और ये के ये भी है। सब लोग यूपी से, बिहार से, कर्नाटक। तो ये भाई कर्नाटक से है और आप? यूपी भाई, यूपी से। यूपी से और मैं बिहार से। लालू भाई लालू, लालू के राज्य से हो। और भाई साहब बाबा योगी, योगी के राज्य से, भाई साहब योगी के, और आप सीधा रवैया के राज्य से। तो बताइए आप लोग कुछ अपने बारे में, मतलब यहाँ हम इधर है ना, क्या बताएंगे, इधर सुबह में उठेंगे, गाड़ी चलाएंगे, आगे सोएंगे, वही है। और यहाँ के भाई ड्राइवर है ना, ये भाई ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं, घर घर का थोड़ा। और आप भी भाई घर का देंगे? सब लोग भाई सब भी घर का देंगे। कैसा रहता है ड्यूटी, मतलब घर का देंगे? मस्त है ड्यूटी, ड्यूटी अच्छा रहता है, सही है, टाइम पास होता है आराम से। मतलब ड्यूटी का टाइमिंग क्या रहता है? 24 घंटा ड्यूटी, यहाँ कहने का तो ड्यूटी 24 घंटा का है, कब फोन आ जाए उसको मारना पड़ता है। अच्छा, लेकिन सबका एक जैसा नहीं है, किसी का 2 घंटा ड्यूटी है, किसी का पूरा दिन ड्यूटी। हाँ, हर मतलब हर जगह पे हर घर उतना परेशान नहीं करता ड्राइवर को, इसी तरह से लगभग सुबह में मदरसा भी रहता है। कितने बजे उठते मदरसे के लिए? मेरा तो मदरसा नहीं है, मैं 10:30 बजे उठता हूँ। अच्छा, तो अच्छा ड्यूटी है एकदम। मतलब ऑफिशियल टाइप का ड्यूटी है, 10 बजे आराम से उठे, नाश्ता मतलब नहा दोगे, फ्रेश नाश्ता वास्ता करे,
फिर अगर जोहर के बाद से चालू नहीं है। अच्छा, ये किसी का ऑफिस 10 बजे का, किसी का ऑफिस 6 बजे का, किसी का 6:30 का। अच्छा, हर का आदमी का ऑफिस। आपका ड्यूटी कितने बजे से स्टार्ट है? हमारा 6:30 बजे का, सुबह 6:30 बजे से ऑफिस जाना, छोड़ के 8 बजे वापस रूम पे आ जाना। अच्छा, फिर 3 बजे ऑफिस से शॉपिंग लेने जाना, फिर 5 बजे शाम को आ जाओ। उसके बाद कुछ नहीं, मतलब शाम 5 बजे के बाद कोई ड्यूटी नहीं? कोई नहीं। और आपका कैसा है भैया ड्यूटी का? ऐसा ही कैसा, 6 बजे ड्यूटी करो। क्या भाई, ये मदरसा है या फिर? मदरसा करो, फिर ऑफिस है, फिर कॉलेज है। अच्छा, और घर का मिसवाड़ का भी ड्यूटी रहता है? वो सब नहीं, मिसवाड़ नहीं रहता। अच्छा, मिसवाड़ नहीं है तो मतलब वो ड्राइवर के लिए अच्छा है, मिसवाड़ ज़्यादा रहने से फिर दिक्कत है, क्योंकि मैडम जब तक बोलेगी अल्लाह सकल से यार, तो बस आपको सिर्फ मदरसा और जामा जाना हो, बस आप दूसरा ड्यूटी में होता है। तो आप सबके लिए अच्छा है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे? चैनल का नाम मेरे चैनल का नाम है अनस अली ब्लॉग्स, और आप लोग सब देख रहे हैं अनस अली ब्लॉग। हमारे ये भाई लोग हैं, इंडियन हैं, तो ये भाई सब कर्नाटक से हैं और हॉर्स ड्राइविंग करते हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बोलिए। हाय हेलो, हाय हेलो, सब शेयर करो और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई साहब आपका नाम क्या है भाई? इसरार खान। इसरार खान ये यूपी से है मेरे भाई, और ये भी हाउस ड्राइविंग में है, गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे। मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ बताइए। व्यूअर्स के लिए क्या बताना है, बस अगर मान लीजिए कोई व्यूअर्स हमारा देख रहा है वीडियो, अगर मान लीजिए कि वो हाउस ड्राइविंग के लिए आना चाह रहे हैं, अगर उसके मन में कुछ अगर क्वेश्चन हो, कुछ सवाल हो, तो बता सकते कि आ सकते हैं यहाँ पे? नसीब है, यहाँ पे ऐसा है, किस्मत की बात है। जी जी बिल्कुल, अगर किस्मत साथ दिया तो काम अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल, सैलरी यहाँ पे हाउस ड्राइविंग में ऐसा होता है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि लकी ड्रॉ है। हाँ, लकी ड्रॉ, ऐसा बोल, लकी ड्रॉ बोल सकते हैं कि जिसका किस्मत अच्छा है तो अच्छा घर मिल जाता है, तो काम का टाइम, गाड़ी चलाने का टाइम सब अच्छा है, बहुत बड़ा बड़ा है, मुश्किल नहीं है। जी जी, बहुत बड़ा घर है, लेकिन इंसान का दिल। लेकिन मैं ऐसा देखा हूँ भाई कि ड्राइवर बिल्डिंग बहुत बड़ा है, वही है, लेकिन उसका ड्राइवर का जो रूम है एकदम छोटा है, जैसे एक आदमी अगर दरवाजे के अंदर जा सकते हैं, ऐसा दरवाजा लगा हुआ। सही है, वो हमारे पुराना ड्राइवर की गलती है वो। अच्छा, पुराना घर देखो, सब बड़ा बड़ा रूम है। अभी मैं देखा हूँ, अभी बना रहा है ना, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, गलती उनका नहीं है, और दो दो तीन मंजिला है, लेकिन ड्राइवर का उसमें रूम देखेंगे तो एक चारपाई के अंदर में जगह है और एक आदमी टॉयलेट में बैठेगा, जैसा बस बैठ सकता है। तुम पुराना घर देखो। अच्छा, पुराना घर में बड़ा बड़ा रूम है, क्यों? वो पुराना ड्राइवर लोग क्या करते थे, वो दूसरा बाहर का आदमी बिठा के 200-300 ऐसा ले दे। अच्छा, उसके बाद अभी नया घर बन रहा है ना, सब छोटा छोटा, सबसे सोने का। मतलब कि ड्राइवर जो पहले जो पुराने ड्राइवर थे तो घर बड़ा रहता था, सबका रूम बड़ा, तो उसमें दूसरे लोगों को भाड़े पर भी रख लेते, सब नहीं है, सब कुछ आदमी काम कर लेते हैं ऐसा, लेकिन सारे को उसको भुगतना पड़ता है। पहला देखो, 2 साल काम किया इधर, बड़ा घर बनता है, लेकिन इधर अब 10 साल काम करेगा, एक छोटा माल नहीं रह सकता। वही बात है ना। तो वैसे ही आप लोग का रूम कैसा है? मेरा रूम तो बहुत बढ़िया है, बड़ा है, बड़ा है। अच्छा, कम से कम 4 आदमी रह सकता है, तो बढ़िया है, मैं अकेला ही रहता हूँ। आप भी ऐसा नहीं करिए कि हाँ किसी को भाड़े में रख लिए? अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा, वो पहला हो गया। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कफील को कफील रहता नहीं होता, केयर करता नहीं है। अभी ऐसा फ़ोन बजा, जी जी, गाड़ी के पास भाग रहा है। बिल्कुल, मतलब फ़ोन आया, सीधा गाड़ी के पास जाना है, मैडम आ जाएगी तुरंत में। अभी आप बता दिए कुछ मेरे व्यूअर्स को। आप एक बार हाय बोल दिए मेरे व्यूअर्स को। हाय, हाय बोल दिए मैम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक किया, वीडियो को शेयर करिएगा, ऐसा हो सकता है। सब लोग देख रहे हैं तो करेंगे ही, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा, जिसको करना है वो करेगा। वो तो बिल्कुल है। तो ये लोग भाई लोग हमारे इंडिया से थे, जो यहाँ पे हाउस ड्राइविंग करते हैं, और सब लोग ने अच्छा रिव्यू दिया है, कि यानी कि अगर कोई आना चाहता है तो आ सकते हैं आराम से हाउस ड्राइविंग के लिए। नसीब अपना अपना है,
एंड ये लकी ड्रॉ की तरह है कि अगर आप जिस घर में आते हैं उस घर का आदमी कैसा होता है, जो आपका कफील होता है, अगर अच्छा कफील होता है तो फिर आपको अच्छा फैसिलिटी मिलता है, ज़्यादा परेशान नहीं करता है। आदमी ठीक नहीं होता है, कफील ठीक नहीं होता तो दिक्कत हो जाता है उसके अंदर। तो हर आदमी बराबर नहीं होती है, हाथ के पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, तो ऐसा नहीं सोचिएगा आप। जिसको आना, अगर कोई आना चाहते हैं तो आ सकते हैं हाउस डाइविंग के लिए, अच्छा काम है, कोई काम ख़राब नहीं होता मेरे भाई।